असलकुम तमाम देखने तमाम सुनने वाले और तमाम बाद में देखने वाले खिदमत में कोनेक्टेड पाकिस्तानी में रिजवान अकरम की तरफ से खुश आमदीद और हमेशा की तरह कोनेक्टेड पाकिस्तानी के अंदर हम ऐसे पाकिस्तानी को लेकर आते हैं जो कि पाकिस्तान की असल पहचान है और असल चेहरा है और हम ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर लोगों को रोशनास करवाना चाहते हैं ताकि वो लोग पाकिस्तान की पहचान बने और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को भी पता चले कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कितने बेहतरीन काम हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं अल्ताफ अहमद आमिर साहब अलताफ़ साहब जो है वो किसी तारुफ के मोहताज हवाले से नहीं है क्योंकि इनकी किताबें अपना तारुफ आप हैं ये खुद जो काम कर रहे हैं जो कि दरसो तदरीस का काम है उसके अंदर बेश खूबसूरत बेहतरीन काम करें इसके अलावा जो इनकी तहरीरें हैं वो नौजवान नस्ल के लिए न सिर्फ मशि रहा बल्कि देश देश की और जग जग की सैरें करवाती हैं तो अल्ताफ साहब वेलकम टू कनेक्टेड पाकिस्तान जी थैंक यू सो मच रिजवान साहब आपने अपने में मुझे किया बहुत ए, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया वेलकम सर आपने वक्त दिया सर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि नगरी नगरी घूम मुसाफिर तो हो रहा है लेकिन ये सफर जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल सफर है इससे पहले तालीमी सफर कहाँ से शुरू हुआ कहा से आगाज कहाँ से हुआ तालीम का अच्छा रिजवान साहब एक तो आ, स्टार्ट में ज़ाहिर मैट्रिक किया मलकवाल से ही एफ एस सी भी इधर से ही किया गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से बी एस सी किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से एम ए हिस्ट्री करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फिर एम फिल किया तो तालीम का सिलसिला तो इस तरह से था तो बड़ी अर्ली स्टेज में ही मैंने पढ़ाने की मैं फील्ड में आ गया क्योंकि मैं जो था बाई चॉइस जो था वो टीचर था तो होता यह है कि आप जब टीचर्स से अपने पढ़ रहे होते हैं तो वो जो टीचर आपके होते हैं उससे अगर आप इंस्पायर हैं या वो किसी भी फील्ड में वो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे होते हैं ये कोई भी अगर आप उनसे बड़े इंस्पायर होते हैं तो फिर आप अपने रस्ते भी उसी तरह से ही चूज करते हैं तो लिकली मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले आ, लेकिन उनमें से एक दो जो थे वो बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनलिटीज थी तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे और किसी फील्ड में नहीं जाना मुझे एक ही मेरे लिए फील्ड है और वह टीचिंग तो इस तरह से मैं पढ़ाने के फील्ड में आया और अलहमद अब जो है वो बीस साल हो चुके हैं यहाँ पे पढ़ाते हुए तो हजारों के करीब स्टूडेंट्स हैं और अलहमद अच्छी पोजिशन पे हैं बड़ी खुशी होती है देख के उनको जबरदस्त अच्छा सर ये तो प्रोफेशनल बात हो गई अब हम एक और स्टेप आपका जो जिंदगी का है वो है कि सैर सेहत का शौक कैसे हुआ तौर पे हम देखते हैं कि जो हमारे इसमाम उनकी जिंदगी एक खास डगर के अंदर चल रही होती है और वो उसी के अंदर तीस साल पैंतीस साल की जिंदगी गुजार देते हैं आ, आपने घूमना शुरू किया दुनिया के मुख्त लोगों के साथ मिलना शुरू किया और इस मिलने के साथ आप लोगों को भी बताना शुरू हो गया कि ये लोगों से मिलते हैं और वहाँ से क्या इल हासिल होता है ये सफर कैसे शुरू हुआ रिजवान साहब बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया Uh, असल में जिंदगी के सफर में सारे ही सफर कर रहे होते हैं लेकिन एक सफर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो अपनी जात का, <laughs> तो 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 का सफर इंग्लिश दोनों वाला हाँ जी वो अपनी जात का सफर होता है अपने जानने का सफर होता है कि मैं जो हूँ लाइफ में मैंने क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं जब ये इंसान को वो विलियम बार्गले ने कहा था ना कि इंसान जो है वो उसकी दो पैदाइशें होती हैं एक पैदाइश तो उसकी ये है कि जिस दिन वो पैदा हुआ है डेफिनेटली लेकिन उसकी जो दूसरी पैदाइश है वो वो है जब उसको पता चलता है कि मैं पैदा हुआ क्यों और फिर अगर उसके जेहन में ये सवाल पैदा होता है ना कि मैं एक दिन ऐसा आना है कि मैंने इस दुनिया से जाना है तो मैंने जब जाना है तो मैंने किस पहचान के साथ जाना है जब इंसान को ये पता चल जाए कि मैंने जिंदगी में अगर जाना है तो ये ये नाम पुकारा जाए कि ये बंदा ये था तो मेरा ख्याल है बात बन जाती है तो इस तरह से ये जिंदगी के सफर में जब बाकी चल रहे थे तो टीचिंग uh, प्रोफेशन में डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होता कि आप घूम सकें चल सकें ये नहीं तो मैं आ, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करता रहता था पढ़ाने के साथ साथ वैसे भी जनरली। लेकिन आ, ये जो बाकायदा सियाहत की तरफ आना है ये मैं ये समझता हूँ कि कासिम अली साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई जनवरी दो में तो वहां से ये बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ वैसे तो रूटीन में जाहिर आप फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं फिरते हैं, हैं लेकिन वो एक एमलेस होता है शायद उस तरह से जाना या अक्सर मैं कहता हूँ कि जनरली हम जब किसी भी सैर सियाहत वाली जगह के ऊपर जाते हैं तो वहां पर हम सिर्फ तस्वीर और वीडियोज बना के आ जाते हैं लेकिन जब हम किसी मकसद के साथ वो सैर सियाहत करते हैं तो इस चीज़ का पता मुझे शाह जी के साथ मुलाकात के साथ लगा जब मैंने उनके साथ पहला टूर जो था वो उजबिकस्तान का किया एक ग्रुप की शक्ल में हम गए तो मुझे ये लगा कि सियात के बगैर इंसान की लर्निंग जल बिल्कुल अधूरी है यानी एक जो टीचर है ख़ास तौर के टीचर बाकी तो चलें बाकी किसी भी प्रोफेशन में हो तो वो तो अपने हिसाब से उसको करनी थी लेकिन एक टीचर को हर सूरत हर सूरत जो है वो सियात के लिए वक्त निकालना चाहिए क्योंकि उसकी जितनी जबरदस्त किस्म की लर्निंग जो है वो सियाहत के जरिए हो सकती है वो बुक्स के जरिए नहीं होती मैं फरक सहेल साहब का फिक्र जो अक्सर कोट करता हूँ कि वो ये कहते हैं कि जहाँ पे किताब का खत्म होता है वहां पे मुशाहदे का वो स्टार्ट होता है किताबें जो पढ़नी होती हैं ना एक टीचर ने वो तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एक कानून है आपको पता है कि मास्टर्स कर लिया या एम की या एम फिल की पी की जब हमें गवर्नमेंट की जॉब मिल गई या हम प्रोफेशनली कहीं पर टीचर हो गए तो मेरा ख्याल है किताबों का काम खत्म हो जाता है वहां पर बड़ी यह बदकिस्मती है कि उसके बाद अगर किसी ने एफर्स करें फिजिक्स किया है तो जब गवर्नमेंट की जॉब या कोई जॉब मिलने के बाद हम कितना उसके बारे में देखते हैं कि आज दुनिया में कितनी प्रोग्रेस हो रही है इस फील्ड में कितना नया काम हो रहा है तो किसी भी सब्जेक्ट में आप देख लें यही होता है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टीचर को आ, एक स्याह जरूर होना चाहिए क्योंकि वो जब चीज़ों को खुद नहीं परखेगा खुद नहीं जानेगा तो वो बेहतरीन तरीके से कर नहीं सकता तो मेरा भी सियाहत की तरफ आना बेसिकली शाजी के साथ सफर के साथ ही शुरू हुआ और फिर आपको पता है कि कासिम अली शाह ऐसी शख्सियत है कि दुनिया के जहाँ पे भी उर्दू जो है वो सुनी और जानी जाती है वहां पे शाह की आवाज पहुँच गई है तो लाखों लोगों को उन्होंने मुतासर किया तो उनमें से एक मैं भी हूँ मुझे भी उनके साथ रहने का मौका मिला और अल्लाह का ये शिक्र हुआ कि मैंने जब उनके साथ सफ़र किया तो पहले सफ़र से ही मैंने अपना एक एम बना लिया था कि मैं ये जो सफ़र कर रहा हूँ इसको किसी पॉजिटिवली मैं इसको, इसको काम करूँगा इसके ऊपर तो फिर शाहजी के साथ एक और टूर मेरा हुआ तुर्की का तो जब ये दोनों टूर्स हो गए तो इन दोनों के ऊपर फिर मैंने एक सफरनामा लिखा इस्तबल तो इस तरह से ये इब्तदा हुई वैसे तो इससे पहले भी एक किताब लिख चुका था लेकिन बाकायदा ये जो बुक का सिलसिला था फिर फिर वो यहां से स्टार्ट हुआ और और इसके बाद के साथ एक ओर टूर करने का मिस्र जाने का मौका मिला तो मिस्र के ऊपर एक अलग से बुक मैंने लिखी मिस्र से कोहे तूर तक तो इस तरह से ये लिखने के फील्ड में भी मैं आया जबरदस्त सर एक और जो आपकी मैं कहता हूँ जहां से आपकी जिंदगी का एक और आ, नया सफर शुरू हुआ वो शाह जी से मुलाकात थी आ, मैं कहता हूँ से मुलाकात थी शाह जी तक पहुंचने की आपकी आ, सफर है इसका कहाँ से आगाज हुआ ये कैसे ख्याल आया कैसे पहुंचे कैसे मुलाकात हुई और फिर ये सफर जो कि अब दोस्ती की जाने माइल है ये कहाँ तक पौंचे? जी जी अच्छा रिजवान साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिंदगी में कुछ ना ऐसे डॉट्स बनते हैं हमें उनका पता नहीं होता कि ये डॉट्स जो जुड़ेंगे तो हमें कहाँ पे लेके जाएंगे अः मैंने अपनी वैसे तो ये बुक में भी ये लिखा है मिसर से मी सारी स्टोरी लिखी है कि किस तरह से मेरी जी से मुलाकात हो मुख्तरन मुख्य बताऊंगा कि टू में अल्लाह ने करम किया और मैं अपने वाले को लेके उमरा के लिए गया तो वहां पे तवाफ के दौरान मेरा एक स्टूडेंट था वहां पर मिला और बड़ी ये कह लें कि थोड़ी देर उसके साथ हजूमान शरीफ था तो वो एक, एक साथ देर ना रह सके लेकिन ये साथ साल मेटर के बाद उसकी मेरी मुलाकात थी अच्छा फिर हुँ. हुआ यह कि यह जनवरी 2018 हजार अठारह की बात है कि कासम अली शाह ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था बदल दो के तहत तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके तो वह लेक्चर दे रहे थे मुख्तफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तु जगहों के ऊपर तो पहला जो उनका डिस्ट्रिक्ट था वो जेलम था और दूसरा जो था वो जिला मंडी बहाउद्दीन था लकीली मीरा ज़िला था तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट कॉलेज में आए और वहाँ मैं भी इन्वाइटेड था और ज़ाहिर है हज़ारों का मजमा था बज़ाहिर तो मुलाकात शाह जी से करना बड़ा ही मुश्किल था लेकिन वहाँ पे वही मेरा स्टूडेंट जिससे जिससे मेरी मुलाकात छः सात माह पहले उमरा के दौरान हुई थी वो मुझे वहाँ पे मिला तो उसने मुझे बताया तो कि सर मैं तो यहाँ पे टीचर हूँ इस्लामियात में पढ़ाता हूँ तो मैंने कहा ये तो बड़ी बात होगी मैंने तो वैसे तो मिलना बड़ा मुश्किल <laughs> था शादी से तो वो डाट बन गया ना तो उसने मैंने दे उनसे यही कहा कि शादी से मुलाकात करना चाह रहा हूँ उन्होंने कहा ये तो कोई बात नहीं फिर वहां से उन, उनके साथ में गया और जाहिर है मैं लकी समझता तो हूँ कि बहुत सारे लोग थे लेकिन वहाँ शाह जी के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई तो वो आधा घंटा शी के साथ बैठे तो शाहजी उन दिनों में चंद दिन पहले ही उज़बेकिस्तान का सफर करके आए हुए थे अपने चंद दोस्तों के साथ तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा कमाल का एक मुल्क है जहाँ पे हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा है और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने ये विजिट किया और भी पाकिस्तानी देखें तो मैं एक ग्रुप ले जाना चाह रहा हूँ वो एक लम्हा था जब मैंने ये सोचा कि शाहजी के साथ आधे घंटे की मुलाकात से जितना मैं मुस्तिद हूँ ये तो मेरी खुशकिस्मती थी ही जो मुलाकात हुई लेकिन मैं इनके साथ ज्यादा रह के सीखना चाहता हूँ तो वही एक पॉइंट था जहाँ से मैंने शायद जी के साथ जाने का प्रोग्राम ना। और फिर वो दो तीन दो महीने के बाद शायद हम फिर पहला विजिट हमने किया और फिर वो ऐसे ही जाहिर है जब आप छः सात आठ दिनों के लिए साथ रहते हैं तो आप लम्हा बलमा सीखते हैं आप नाश्ते की टेबल के ऊपर बैठे होते हैं तो तब भी आपकी लर्निंग हो रही होती है बातों में बातों में आ, कहीं पे आप लंच कर रहे होते हैं घूम फिर रहे होते हैं कहीं पे भी आप बैठते हैं तो वो हर लम्हा शाहजी से मुझे सीखने का मौका इसके अलावा और बहुत सारे लोग ऐसे थे हमारे साथ क्योंकि हम एक के करीब हमारा एक ग्रुप था और सारे अपने अपने फील्ड में बड़े माहिर थे तो सब लोगों से जैसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला तो जर्नली हुआ ये कि मैंने सोचा ये कि ऊपर थोड़ा सा आ, लिखने का भी काम करूंगा मेरे लिए में शाह के इलम में भी नहीं था कि मैं इसके ऊपर कुछ लिख रहा हूं तो शायद आवाज का कोई इशू आ रहा है जी जी मुझे आवाज आवाज क्लियर है आवाज आ रही ओके फाइन तो आ, उजबेकिस्तान के सफर के ऊपर मैंने फिर मैं आके उसके ऊपर कुछ मैंने राइड किया फिर हमने शाजी ने कोई चार पांच माह के बाद टर्की का जो था वो प्लान कर लिया टूर वहाँ पे भी हम गए तो जब बुक सारी मैंने लिख दी और प्रिंट कर दी तो मैंने शाह जी को बताया कि जी मैंने एक सफरनामा जो है वो लिख दिया है तो वो बड़े हैरान हुए कि वो कहते हैं कि आपने तो बड़ा कमाल करके रख दिया है क्योंकि ये कैसी चीज है आपने हाँ सारे था, 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 को डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लेके आ गया तो ये बहुत बड़ी बात है उन्होंने बहुत ज्यादा उसके ऊपर अप्रिशिएट किया तो मुझे जनरली चूंकि मैं एक टीचर हूँ इसलिए मुझे इस बात की भी समझ थी कि एक जैसे स्टूडेंट होता है ना रिजवान साहब आप उसको वो नालक नहीं होते आ, अगर जो एक जो टीचर सिर्फ थोड़ी सी थपकी उसको दे देना कि आप बहुत टैलेंटेड हैं आप में से आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो वो जिंदगी में आ, ये कह लें कि कामयाब हो जाता है और वो आ, सब कुछ कर सकता है तो लिए लिखने के दौरान भी ऐसे ही हुआ हालांकि इससे पहले जब मैंने एम फिल किया था तो उस वक्त ज़ाहिर रिसर्च वर्क होता है हम सीखते हैं और उसके ऊपर मैंने एक उसके बाद एक बुक भी लिखी थी लेकिन शाह की अप्रीसी ने मुझे इस लाइन के ऊपर लगा दिया और बस लिखने का ये सिलसिला जो है वह तो शाहजी से फिर मुलाकातों का सिलसिला रहा फिर चूंकि आपको पता है कि वो इस कौम के नौजवान नसल के लिए जिस तरह से वो बेहतरी का काम कर रहे हैं तो वो तो किसी से डकाव छपा नहीं है तो इसलिए मैं भी उनके साथ ही अटैच हुआ इस तरह से और फिर आज तक ये सिलसिला जारी है आप सब आ, वैसे तो बहसियत उस्ताद आपसे ये पूछना आ, जो है एक सवाल नहीं बनता कि आपका मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग शाह के साथ हैं उनके गोल्स बड़े क्लियर हैं डिफाइंड हैं और उनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं बड़े क्लियर कट हैं और वो बड़े मकासद में वाजे हैं तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि क्या जिंदगी के आपने मकासद तय किए हुए बहसीदान साहब पहले तो मैंने आपको बताया कि इंसान जो है ना वो अपना बड़ी जल्दी एक माइंड बना लेता है और एक टीचर जो है उसको तो, तो पहले ही बड़े आराम से ये सोच लेना चाहिए कि जिस फील्ड के अंदर है वो आ, अगर बाई चॉइस टीचर है तो उसने लाइफ में करना क्या है तो ये बात तो आज से बीस साल पहले ही मैंने सोच ली थी कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन सही टीचर के नाम से अगर जाना जाए तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी लेकिन आ, देखना यह होता है कि टीचर जो है उसने टीचर ने अपना लेवल क्या रखना है और किस तरह का टीचर होना है पहले जर्न, जर्न जर्नली मैंने बात की कि हमारी ज्यादा से ज्यादा छलांग यही होती है कि अगर हमें गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है हमें किसी भी सेवनटीन में सिक्सटीन में या एटीन में कहीं पे भी चले जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि बस हमने सब कुछ अचीव कर लिया वहां पे हमारी जिंदगी का स्टॉप लग जाता है जबकि ऐसा होता नहीं है इंसान हर लम्हे हर और वो आगे की तरफ आगे तो एक टीचर को जिस तरह से होना, मे, मेरे जेन के अंदर यही है कि ये किस तरह से टीचर हो के जो मैं अपने इलाके के अंदर रह के क्योंकि मैं मलकवाल जो मंडी बहाउद्दीन की एक तहसील है यहाँ पे 20 साल से एजुकेशन के फील्ड से वाबस्ता हूँ और अलहमदल्ला इस बात की मुझे फख्र है कि यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि देखें जो भी पढ़ा लिखा बंदा होता है उसकी आप बड़े शहरों में चले जाए तो वहाँ पे ज्यादा उसके लिए मौाक़ होते हैं आगे बढ़ने के उसके लिए क्योंकि सही. उसका कहीं पे भी रहेगा तो उसके मौाक़े ज्यादा होंगे और वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी लेकिन मैंने यहीं पे रहना जो है वो शुरू से इसका माना बड़ी ऐसी ऑफर्स भी थी अपॉर्चुनिटीज भी थी लेकिन मैंने यहीं पे रहा और इधर ही मैंने काम किया तो मेरा मकसद यही है जैसे आज से अगर 20 साल पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो मेरे साथ एक मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त थे सर श्वीक साहब और उन्होंने और मैंने यहाँ पे साइंस पढ़ाना का स्टार्ट किया था तो यहाँ पे बड़े कम स्टूडेंट्स होते थे साइंस के तो वो हमारा मकसद ये था कि मैक्सिमम स्टूडेंट जब हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे जो वो इन बच्चों को आने वाले बच्चों को ना हो तो मैक्सिमम बच्चे पढ़े हैं तो वो बच्चे और बच्चियां पढ़े और उनमें से बेशुमार जो बच्चे थे उनमें एम एस सी की एम फिल पी एच डी की या फिर मेडिकल फील्ड में चले गए इंजीनियरिंग की फील्ड में चले गए मुख्तलिफ फील्ड में हैं तो आज हम जब उनको किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर देखते हैं या फिर इस इलाके के अंदर जो साइंस का ये कह लें कि बहुत ज़्यादा जो वही जो स्टूडेंट्स होती थी या बच्चे थे या बच्चियां थी यहाँ पे मुख्तलि कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर वो पढ़ा रही होती है तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि वो जो एक एम था हमारा उसमें हम काफी हद तक जो है वो कामयाब हो गए सेम इसी तरीके से मेरे मेरा आज भी यही मकसद है कि आजकल के जो बच्चे हैं जाहिर है आपको पता है कि वक्त के साथ चेंजिंग आती हैं आज से बीस साल पहले तो हालात कुछ और होंगे और और किस्म के फील्ड की जो डिमांड थी उस तरह से पढ़ाना लेकिन वक्त बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है तो आज जिस जितनी तेजी से बदल रही हैं चीजें और जो जो नई नई चीज़ें आ रही हैं तो मेरा अपना जो मकसद है वो यही है कि आने वाले बच्चे जिस आ, आ, जो भी होंगे उनको जो जदीद तक आएंगे उनके मुताबिक उनको लेके चला जाए और उनको एजुकेट किया जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद तो यही है कि एक अच्छा टीचर बन के रहना और बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करना अपने हाथ तक सर एक आपने एक बात कही बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब हम अगर गवर्नमेंट टीचर हायर हो जाते हैं तो फिर हमारी ग्रोथ रुक जाती है जबकि तालीम से वाबस्त हैं तो हमारा इल्म में इजाफा होना चाहिए खुद की ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए आपकी माशाल्लाह पिछले आप, 20 साल का करियर जाहिर है आपने ग्रोथ की और आप बढ़ते रहे आ, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लोग आ जाते हैं तो वो समझते हैं कि बस स्केल मिल गया सत्रहवा मिल गया अठारहवां हो जाएगा फिर उन्नीसवा हो जाएगा और शायद बीसवें तक जो कि वो रिटायर भी हो जाते हैं अब आप क्या उनके लिए पैगाम देना चाहेंगे या उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि वो अपनी ग्रोथ के लिए क्या करें जाहिर है वो जॉब के अंदर है उस तरह तो ग्रोथ उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह आप Uh, समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप uh, अगर स्कूल टीचर हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर लें फिर चेन एक बना लें और फिर वो मल्टीपल मल्टीप्लाई करते जाए इन सॉर्ट ऑफ एंटरप्रनशिप जबकि गवर्नमेंट जो है वो तो जाहिर है उसको पे करेगी और वो उसी पे चलता रहेगा वट डू यू है अच्छा इसमें देखना इंडिविजुअली भी हो सकता है और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हो सकते हैं इंडिविजुअली को, देखें कोई भी इनफरादी तौर पे कोई इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है और मजीद नए से नई चीजें सीखना चाहता है तो दुनिया का कोई बंदा उसको रोक नहीं सकता ये हमेशा हमारे बहाने होते हैं आपको पता है कि ये अगर किसी का कोई बहुत अच्छे नंबर आ जाए और एक बच्चे के अच्छे नंबर ना आए तो वो बहाने होते हैं ये तो बड़ा ऐसे थे ये इसके बड़े सारे बहन भाई लायक थे तब ये भी लायक था इसके वाले साहब पढ़े लिखे थे ये था वो था जबकि आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे जो बड़े देहातों से होते हैं उनका बहुत ज्यादा ये कह लें कि उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं फिर भी वो टॉप कर जाते हैं इसी तरीके देखे से देखे। आप किसी भी फील्ड में अगर फर्ज गवर्नमेंट जॉब में आ गए भी गए तो आ, क्या वहां पे इंसान जो है वो आ, बुक्स पढ़ना छोड़ दे क्या वहां से आ, उसको जो काम कर रहे हो उससे आगे जाने का वो रुक जाए मेरा ख्याल है ये बहाने होते हैं कहीं पे भी रह के वो आगे बढ़ने के लिए सब कुछ कर सकता है मिसाल के तौर पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट में पढ़ाने वाले टीचर्स के पास तो सैलरी बड़ी कम होती है गवर्नमेंट के पास तो फाइनेंशियली भी, भी बड़े स्ट्रांग होते हैं ठीक है मतलब तो कुछ बेहतर होते हैं कंडीशन तो अगर प्राइवेट में रहने वाला बंदा जो है वो आगे से जाने के लिए स्ट्रगल करता है कुछ मेहनत करता है तो करने चाहिए होता यह है कि हम थोड़ा सा सहल पसंद हो जाते हैं हम आसानी में आ जाते हैं और हम उस वो जो आसानी वाला दायरा होता है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते होते और जो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जिंदगी में वो आगे बढ़ नहीं सकता वो लर्न नहीं कर सकता तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये वाला होता है मेरा ख्याल के स्टाफ इसलिए लगता है कि वो आगे बढ़ना चाहते नहीं होते वरना कोई रुक नहीं सकता आपने आजकल की ऐसी दुनिया है कि जब आप हर रोज स्ट्रगल करेंगे हर रोज एक नई चीज सीखेंगे तब मुझे ये भी बात जेहन में आती है कि आज से बीस साल पहले देखे ना या तीस साल पहले एक टीचर जब उस बच्चों के लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता था वो सिर्फ एक टीचर होता था किसी देहात में किसी स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है तो वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अच्छा जो वो टीचर ने बात की होती थी वो बच्चे घर पे आके अपने पेरेंट्स को रखते आज हमारे टीचर ने हमें ये बताया आज हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें ये बताया तो हम टीच घर में टीचर्स की ही बातें हुआ करती थी हमेशा अच्छा फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा घरों में मीडिया जो है वो आना शुरू हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उस पर लोग जो है फिर ये कि सोशल मीडिया आ गया फिर ये देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो था फिर एक टीचर नहीं रहा फिर और और मीडिया भी आपको गए तो जो इंफॉर्मेशन आपको अपने टीचर से मिलती थी अगर आपको किसी और जगह से बेहतर अंदाज से मिली तो इसका मतलब है कि वहां पे वो टीचर था, वो रुक गया वहां पे वो उस जमाने के साथ जो इतनी तेजी के साथ आगे चल रहा था वो अपने आप को ग्रो से नहीं किया तो यहाँ पे उस टीचर को जरूर ये सोचना चाहिए कि अगर आज आज के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना है जो रात को जो है वो डॉक्टर शाह मसूद और बड़े बड़े स्कॉलर जो कोई भी फर्ज करें उनकी बातें सुनेगा तो सब वो आके तो आपने टीचर्स में वो वही पर्सनलिटीज ढूंढेगा ना अगर कासिम अली शाह साहब की गुफ्तु रात को सुन रहा है या किसी और बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की गुफ्तु रात को सुन रहा है तो वो बच्चा सुबह स्कूल में आके या कॉलेज में आके अपने टीचर में भी तो वही कासिम अली शाह ढूंढेगा ना तो इसलिए ये ये चीज ये चीज जो है वो अपने आप को तो टीचर को खुद देखनी है कि मुझे अपने आप को ग्रो करना है मुझे अपने आप को आगे लेके जाना है तो किस तरह से फिर रिजवान साहब दूसरी चीज प्रेफरेंस की होती है ठीक है ए, हम लोग जो हैते है ना बड़े अजीब हमारे मेंटेलिटी होती है हम घूमने फिरने के लिए कहीं पे खा, पिज्जा खाने के लिए चले गए वहां पे चार हजार लगा दे जूतियां लेनी हैं आठ आठ बारह बारह हजार के ले लेंगे ठीक है कपड़े लेने हैं वो हम इतने ज्यादा महंगे ले लेंगे लेकिन अगर कहीं पे लर्निंग के लिए हमें कोई ये कहे ना कि आज जाना है जो फला के साथ और वहां पे एक सेमिनार अटेंड इस है इसके तो ऊपर पांच हजार भी? ये लूट रहे हैं ये लोग <laughs> ये लूट रहे हैं लोग अच्छा हालांकि हालांकि आपको पता है कि अगर कहीं पे वो इस तरह के होते हैं तो वो बड़े सर्टिफिकेट्स मिलते हैं खाना मिलता है बुक्स मिल जाती हैं और सारी चीजें तो ये चीजें प्रेफरेंस की हैं जब हम हम लोगों को ये बात समझ ही नहीं आएगी ना उस वक्त तक हमारी लर्निंग हो नहीं सकती तो कहीं पे भी चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है प्राइवेट सेक्टर में है कोई आम बंदा है कहीं पे भी कोई बंदा है अगर उसको ये समझ आ जाए कि मुझे कुछ सीखने के लिए कुछ कुर्बानी देनी है मुझे अपनी जो प्रेफरेंस है जो अपनी तरजीहत तो उनको बड़ा क्लियर करना है अगर मैं क्लियर हो जाऊंगा ना कि मैंने करना क्या है मैंने किस फील्ड में जाना और क्या सीखना है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए स्टॉप नहीं लगेगा वो कर सकेगा जबरदस्त अच्छा सर आखिरी आज, के आपके इस हवाले से कि हमारे यहाँ क्योंकि में नहीं तमाम तबका है फिक्र के अंदर अः पढ़ने का रुझान बहुत कम हो गया और लिखने का रुझान तो बिल्कुल ही नहीं रहा लाइक हमारे जो दानिश्वर है वो अगर बड़े बड़े नाम देखे जाए तो अब वो नापैद होते जा रहे हैं वो लोग उन्हीं की किताबें हम पढ़ के तो दोबारा से जवाब अच्छा ये, ये इस, देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और हवाला देता हूँ फिर आपको इसका भी अंदाजा हो जाएगा कि इस फील्ड में क्यों लोग काम हो रहे हैं रिजवान साहब आपने कभी जिंदगी में अगर कहीं पे पढ़ाया है तो आप टेंथ के बच्चों से आप पूछें कि बेटा आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो क्योंकि मैंने तो पढ़ाया और अक्सर बच्चों से यह सवाल पूछता था और फिर एफ एस सी वाले बच्चों से पूछते हैं सवाल तो वो मैट्रिक के स्टूडेंट से पूछे तो उसमें कम अज कम एटी फाइव परसेंट नाइन डॉक्टर होते हैं ठीक है <laughs> बाकी जो होते हैं बाकी टेन परसेंट उनमें जो होते हैं वो इंजीनियर होते हैं कंप्यूटर फील्ड वाले होते हैं अगर आप उनसे पूछें कि आप में से वो टीचर जो है वो कितने होंगे तो आपको शाहजो नदर को एक हाथ खड़ा नजर आएगा जबकि रिजवान साहब देखें कि जिस कौम के अंदर जो टीचर की तरफ अगर या इंटरेस्ट नहीं होएगा बच्चे मुतासर नहीं होंगे ना उस तरह से तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है बहुत बड़ा सवालिया निशान है फिर होता क्या है कि वही बच्चे जो डॉक्टर्स और इंजीनियर बनते हैं आगे चल के मेरिट नहीं बनते खास तौर पर बच्चों की मैं बात कर दूं वो जो मेडिकल फील्ड में उन्होंने जाना होता नहीं बनते तो जब वो मास्टर्स वगैरह कर लेते हैं तो वो कुछ भी नहीं मेरिट ना बनने की वजह से वो फारुक उद्दीन को कहते हैं कि चले आज हम फारक उद्दीन पढ़ा लेते हैं टीचर्स बन जाते हैं तो जब आपका देखें आपने इधर आना नहीं होता आपका मकसद और होता है और फिर आप उस फील्ड में आ जाते हैं तो आप उस फील्ड के साथ क्या करेंगे वो वो की बात नहीं जबरदस्त लगती है, वो है कि कि कहते हैं बंदूक से एक गोली निकलती है वो सिर्फ एक बंदे को मारती है लेकिन टीचर अगर काबिल नहीं होना वो उसके पास चालीस बच्चे बैठे हों तो वो ऐसा बम है वो चालीस बच्चों को ले जाता है तो ये बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जिस फील्ड के अंदर हम होते हैं हम एक तो उसकी फिर दूसरी ये चीज है अलमिया ये हुआ कि टीचर की रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं हुई किस तरह से नहीं हुई ठीक है कि ये और टीचर्स के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर जो टी टीचर है उसको ट्यूटर और फिर टीचर फिर अजीब तरह से मतलब उसको वो किया गया तो वो जो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई आज भी आप देख लें कि मुख्तु सेक्टर में ये अलग बात है कि ठीक है कि आज भी करते हैं स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उसके अंदर भी ज़ाहिर कोई डेफिनेटली बड़ी जो मेहनत कर रहे हैं लोग उनकी करते हैं लेकिन मोस्टली मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ है। यही अशर है हमने राइटर्स के साथ किया यही अशर जो है वो जितना भी कोई उस तरह से पॉजिटिव काम करने वाले थे उनके साथ हमने किए जब हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते आप देखिए ना लिखने वाले अगर फर्ज करें हों भी हमारे सोसाइटी के अंदर अगर कोई काम जो है वो पॉजिटिव करने वाला होता है तो हर पॉजिटिव काम करने वालों को तनकीद का सामना करना पड़ता है वो कहते हैं अगर आप में से ही कोई एक बच्चा आगे निकल जाए तो जैसे वो क्लास में होता है ना ये किधर से हो गया जी तुम ऐसे तुमने ऐसे कैसे कर लिया तो हमारी सराउंडिंग में हमें कह रहे होते हैं जो ये देख खुद ये क्या कर रहे जी ये किताबें लिख रहे जी याद कर रहे जी ये ये काम कर रहे जी तो आपको वो जो नीचे खींचने वाले होते हैं वो बड़े ज्यादा होते हैं हैंड uh, बड़े काम होते हैं, काम होते होते हैं हैं स्पोर्ट करने वाले फिर अगर कोई बात ये कोई लिखना भी चाहता है करें, तहरी लिखना चाहता है बुक लिखना चाहता है कोई भी तो मैं चूंकि हूं मुझे अंदाजा है कि एक बुक पब्लिश करवाना बड़ा प्रॉब्लम होता है।, है तो ये चीजें हमें इनक्रेज करनी चाहिए देखिये मैं आपने पहले सवाल किया कि मुर्शद ने बड़ी अच्छी ऑफर कर दी है कि आपने से कोई किताब लिखे तो हम ऑन करके उसको पब्लिश करवाए तो उससे बड़े लोगों का हौसला था मुर्शद की जो सोच है वो ईशा जी की सोच है वो तो आपको पता है कि वो तो कहते हैं कि किसी के थोड़ी सी क्वालिटी हो वो कहते हैं बेटा तुम बहुत कुछ है तुम कर सकते हो और वो उनकी एक थक्की जो होती है वो बंदे को पता नहीं किधर पहुंचा देती है तो यही बात समझने की जरूरत है कि हमारे हमारे सराउंडिंग में हमारे बहन भाई बच्चे स्टूडेंट्स जो भी होते हैं अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बड़ी सलाहियतें रखी हुई हैं यकीन करें हम सिर्फ एक कैटेगरी में उनको गिन रहे होते हैं कि इस बच्चे के नंबर जो है वो नाइनटी फाइव परसेंट आए क्यों नहीं इसका मेरिट क्यों नहीं बना आ, और उसको हम कहते हैं कि ये नाकाम है लेकिन आपने बेशुमार ऐसे रिजवान सब लोग देखे होंगे जो मीडियाकर्स होते हैं मैंने चूंकि पढ़ाने के फील्ड में देखा बड़े स्टूडेंट्स हैं और बड़े महदब बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं जब भी मिलते हैं और बड़े बड़े अच्छी पोस्ट के ऊपर है बड़े बड़े अच्छा बिजनेस है उनका लोग हैं तो मुझे ये लगता है 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 कि वो वो हर हर बच्चा जो होता है, वो होता टैलेंटेड बच्चे ने जिंदगी में अपना एक रोल प्ले करना होता है हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते तो इसी तरीके से जब आपने ये सवाल किया था कि आप नेक्स्ट आपका क्या तो मैं ये चाहता हूं कि फर्ज करें मेरे पास जो बच्चे हैं जो हमारे सराउंडिंग में जो इंस्टीट्यूशन हैं हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके अंदर या हमारे इलाके के अंदर आ, अगर मैं यहाँ पे आ, मैं ये हिम्मत कर सकता हूँ ये ट्रेवलिंग के ऊपर करना है, करना, लिखने का काम है और या आपसे बात करने का काम है ये कर सकता हूँ तो ये उन बच्चों के लिए बेसिकली आज मैं एक बीज बो रहा हूँ बेसिकली मैं कुछ नहीं कर मैं उनके लिए एक, एक ये कह लें कि एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि बेटा आप कर सकते हो आपके लिए ये जो ये जो काम है ना ये कभी भी ना सोचना कि मैं इतनी दूर कहीं पे गांव में या देहात में बैठा हुआ इलाकों तो में कुछ नहीं कर सकता ये बड़े शहरों में अगर तुम तो में कुछ होगा तो तुम तो यहाँ पे रह के भी बहुत कुछ कर सकोगे तो इसी तरह से इंसान जो है वो अगर सोचता रहेगा सारे अगर सोचेंगे तो ये सोसाइटी जो है ओवरऑल इसके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आएगी और इन फिर सारे फील्ड्स के अंदर आएंगे फिर सारे आ, सारे लोग जो है वो डॉक्टर्स नहीं बनेंगे सारे इंजीनियर्स नहीं बनेंगे हमें जरूरत है उनकी भी डेफिनेटली है लेकिन हमें देखें और आ, शोबों के अंदर भी बहुत ज्यादा रिजॉन्स जरूरत है अदब के बगैर एक बंदा जो है आप देखें ना एक एक आम बंदा जो है मेट्रिक जिसने किया ऑफर किया हो उसका मेंटल लेवल के अंदर और एक वो बंदा जिसने ग्रेजुएशन की हुई होती है या मास्टर्स किया हुआ होता है वो जो सिलेबस बना हुआ होता है उसका आप देखें तो उनके बिहेवियर्स में उनके एटीट्यूड्स में कितना फर्क आ चुका होता है तो बेसिकली क्या होता है वही बल्कि मैं काफी अर्सा मैं पढ़ाता रहा हूँ चूंकि मैथ और साइंस तो मैं कहता थीटा टेन थीटा ने जिंदगी में कोई तो आगे, आगे आगे आपको लेके जाना होता तो ठीक है कि वो एक स्पेसिफिक लेकिन जब तक आप अदब नहीं पढ़ेंगे आप अदबी लोग जैसे हमारे मुर्शद जो लोग थे शाहक अहमद साहब थे बानो शाह साहब थे ठीक है मुमताज मुफ्ती साहब थे ये लोग इन लोगों को जब तक कोई पढ़ेगा नहीं ठीक है और ये बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे इन लोगों को जब को तक कोई पढ़े ना पढ़ेगा नहीं तो उनको ये जो इंसानी बिहेवियर्स का इलम है ये किस तरह से समझ आएगा और जब तक इंसानी बिहेवियर्स को हम नहीं समझेंगे हम अपनी बात करने से पहले दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं तब तक हम जिंदगी में ना तो खुद सुकून में रह सकते हैं ना दूसरों को के लिए सुकून का बायस हो सकते जबरदस्त सर वो आपकी बातें जो सुन के ना तो वो मुझे वो बात याद आई है शाहजी की कि इंसान जो है अपने इर्द गिर्द पांच लोगों का एवरेज होता है तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे बनना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द जो पांच लोग हैं उन्हें इंतखाब सोच समझ के करें तो आपकी बातें जो है ना वो बिल्कुल ऐसे मुझे लगा है कि शाह साहब की जो है ना वो बातें आपके थ्रू तर्जुमा होकर मुझ तक आ रही है मेरी सहूलत और मेरी आसानी के लिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपने वक्त दिया सर बहुत बहुत शुक्रिया मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपसे एक दो तो दफ़ा टेक्निकल वजहों के बिना बात नहीं हो सकती लेकिन अब बात हुई है और बड़ी खूबसूरत बातें बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजबान साहब बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको खुश रखे सर और तरक्कियां दे और हम भी इंशाल्लाह किसी सफर में जरूर आपसे सीखेंगे थैंक यू थैंक यू सर अला,